हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गैंसली। हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन यूनिट 9, जिसमें आप मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट का सिस्टम पढ़े हैं। दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे पार्ट डी में कि चेंज जो मैनेजमेंट है क्या होता है, क्या इसकी आवश्यकताएं होती है। आपने देख लिया है, आपने थ्री स्टेप मैनेजमेंट थ्योरी पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि जो पॉइंट नंबर 3 है आपका, द जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, यानी कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ लिया अब। लेकिन जापानीज, जो जापान एक कंट्री है, तो जापानीज के कुछ जो मॉडल हैं चेंजेस में, जापानीज मॉडल ऑफ चेंज, उन मॉडल्स को हम समझेंगे कि वो मॉडल क्या है। अच्छा, जापानीज मॉडल को क्यों लेके आए आपके सिलेबस में, यू हैव एनी आइडिया? मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ। जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं और आप देखेंगे कि हम लोग जहाँ पे है ना, उससे वो बहुत आगे गए, निकल गए हैं टेक्नोलॉजी में। और जबकि जापान पे एक टाइम था कि हिरोशिमा और नागासाकी, जो वहाँ के जो दो सिटीज थे मेजर सिटी, उन पे बॉम्ब गिरा गया था और वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। और जापान जितनी पास हमारे पास लैंड है और हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जापान के पास उसमें से कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब 90% वहाँ पे लैंड ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देख लीजिए, एक बच्चा नेट क्वालिफाई कर जाता है क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है, एक बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर सकता है। सो किसी भी चीज़ की सक्सेस और फेलियर के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें जापानीज बहुत आगे हैं, तो जापानीज में, जापान में कुछ थ्योरीज चलती हैं, तो उनको आपके सिलेबस में लाया गया है। वो क्या है समझते हैं। तो पहली थ्योरी है जापान की, JIT इसको बोलते हैं, यानी कि जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन JIT मॉडल, JIT थ्योरी। इसको किसने दिया है ये समझ लेते हैं, इनका नाम तो थोड़ा अजीब है। नहीं, इसको प्रॉपरली किसी ने नहीं डेवलप किया है, ये पूरे जापान में ही डेवलप चलती है ये थ्योरी। जो आपकी दूसरी थ्योरी है फोकायोका, उसको पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, उन्होंने डिजाइन किया है। लेकिन JIT मॉडल जो है वो पर्टिकुलर किसी ने दिया नहीं है, एक जापानीज मॉडल है कि जस्ट इन टाइम, यानी कि कोई भी चीज कब करनी है, टाइम पे करनी है। वो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं समय की, वहां से इसको लाया गया है। अब इसको समझते हैं कि क्या है मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। इसका कीवर्ड क्या है कि मैनेजमेंट का जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह का होना चाहिए, इस पे ये थ्योरी बात करती है। यानी ये थ्योरी किस पे बात करती है, बेसिकली स्ट्रेटजी के बारे में बात करती है। सो स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए कि हम जैसे जो मैटर, जैसे मान लीजिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज बनाई है हमने, तो इसका जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल का मतलब जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो घर में क्या क्या होता है, सीमेंट होता है ना, ईंट होता है, और जो सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, तो जो घर बनाते हैं तो उसके रॉ मटेरियल, या फिर आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए दाल है, चावल है, आलू है, सब्जी है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, जस्ट टाइम मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहती है कि हर कंपनी को जो अपना रॉ मटेरियल है, जो उसका बेसिक मटेरियल है जिससे वो चीज़ आप बनाएंगे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, ऐसा करने से आपका जो एक तो टाइम बच जाएगा आगे, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करेगा। तो ये यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म, जो आपके कस्टमर होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जब उनको अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो कहीं और नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो आपकी जो कंपनी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ग्रोथ करेगी। सो जस्ट इन टाइम बेसिकली मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के लिए प्रयोग होता है, जिसमें यही कहा जाता है कि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ में इसमें एक चीज पे और बात की जाती है कि साथ में इसमें और भी चीज़ों पे बात की जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से बेनिफिट कंपनी को ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स चाहिए हैं तो आपको मैनेजमेंट में जो चेंज करने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई कार बनाई है ना, तो कार का जो आपका रॉ मटेरियल है तो इसमें कम टाइम लगाइए, यानी कि लेस टाइम, और जो मटेरियल है वो अच्छा यूज़ करेंगे, और प्लस जो लेस टाइम लगा के अच्छा मटेरियल यूज़ करके जो आपके आउटकम बाहर जा रहे हैं, तो उससे कस्टमर को फायदा होगा और कस्टमर के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होगा, जिससे जो कंपनी है, जो बिजनेस है आपका, वो मार्केट में उसकी वैल्यू और ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी। सो बस एक जस्ट बेसिक थ्योरी है, ज़्यादा इससे नहीं आने वाला है और आपको ज़्यादा समझना भी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हम। दूसरी थ्योरी है इसकी, थोड़ी इम्पोर्टेंट है ये,
पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस थ्योरी का नाम है पोका योके। अब पता नहीं इसको जापान में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अब मैं तो इसको पोका योके ही बोलती हूँ। पोका योके थ्योरी क्या कहती है? पोका योके एक फ्रेज है, फ्रेज का मतलब आप समझते ही होंगे, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, है ना। ये जापान में कई सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, इसको पोका योके बोलते हैं। ये टोयोटा कंपनी थी ना, उसमें ये थ्योरी वहां से इसको डेवलप किया गया था, तो टोयोटा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग से भी इसका नाम जुड़ा रहा। इसको किसने दिया था? उनका जो नाम था वो था सियागो सिंगो, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसको जो भी प्रोनाउंस कर रहे हो सही, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप लगे आपको, तो ये जो थे ये टोयोटा कंपनी के ना मैनेजर थे। तो इन्होंने इस टोयोटा कंपनी, टोयोटा एक कार है आपको पता होगा, कार बनाती है टोयोटा कंपनी, तो टोयोटा कंपनी के जो मैनेजर थे सियागो शिंगो, उन्होंने इस शब्द को यूज किया था मैनेजमेंट में। अब इन्होंने क्या बताया वो हम समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये कहते हैं कि हमें ना पूरी तरह से पावरफुल मैनेजिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, कि एक बहुत ही पावरफुल मैनेजिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा अपना देंगे, यानी कि कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, नो रूम फॉर मिस्टेक, गलती करने की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह से काम करना है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे, कि कोई भी बिना मिस्टेक के आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट है, तो उसको आप पहले ही एक बार इवेल्यूएट कर लीजिए, ताकि कोई गलती करने की पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो बेसिकली ये जो है वो गलती ना हो, इसके लिए बताते हैं। अब इसके क्या स्टेप हैं, इसके क्या तरीके हैं वो समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी थ्योरी है, कई सारी स्टेजेस में है, तो इसको हम देखते हैं। सो फोका योके बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? गलतियों से बचने के लिए, है ना। कि अब गलतियां किस तरह की हो सकती हैं वो उसकी भी बताता है, कि जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उस मिस्टेक से आपको कैसे प्रिवेंट करना है, इसके लिए मिस्टेक को प्रिवेंट करने की बात करता है। कैसे? मान लीजिए ये कहता है कि जब प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के लेवल पे मान लीजिए आप कोई कार बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टोयोटा कंपनी का कार ही बना रही थी, तो जब कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन के टाइम पे कि जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी डिफेक्ट्स आ रहे हैं ना, मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ रहा है कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या जो उसका एयर बैग है वो खुल नहीं रहा है, या जो शीशे हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, या कोई भी इशू है मैनेजमेंट को लेके, तो जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो डिफेक्ट्स आते हैं उस डिफेक्ट्स को आपको कैसे रिजॉल्व करना है, ये काम हमको पहले ही कर लेना है, और उसके लिए हमें कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। ये पोका योके का बेसिकली मतलब है। पोका जो वर्ड है उसका जो यूज किया जाता है वो भी समझ लेते हैं, कि पोका जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एक्सीडेंटल, यानी कभी कभी कुछ गलतियां कैसे हो जाती है, गलती से कहते ना, गलती से गलती हो गई, यानी कोई गलती कैसे हो गई कि आप कार लेके जा रहे थे, वो गलती से आप इधर देखने लगे तो गलती से वो कार बढ़ गई। तो जो एक्सीडेंटली जो आपसे गलतियां होती हैं, और योगे का मतलब होता है प्रिवेंट करना, है ना, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है बचाना या रोकना। तो आपको जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो गलतियां होती हैं, जो आप बना रहे हैं कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं या कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के टाइम पे जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से बताने के लिए मैनेजमेंट में पोका योके टेक्निक का यूज किया जाता है। अब उसकी जो स्टेजेस है उसको समझते हैं कि इसकी क्या क्या स्टेजेस है ना। इसकी कुछ बेसिक स्टेजेस है, चरण है कह सकते हैं। पहला चरण है डिफाइन। मान लीजिए एक प्रॉब्लम आ रही है कि किसी कार का ना इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहते हैं आपके जो सिंगोई है, उन्होंने बताया कि पहले ना जो आप प्रॉब्लम है ना उसको डिफाइन कीजिए, प्रॉब्लम को क्या करिए, डिफाइन करिए कि प्रॉब्लम है क्या। ऐसा नहीं है कि आपने देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे ही पहले प्रॉब्लम को डिफाइन कर लीजिए, फिर उस प्रॉब्लम को क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए, माप लीजिए, है ना।
कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से मीजर करके या इसको माप कर हम दूर कर सकते हैं, उसको समझ लिया, डिफाइन कर लिया, फिर मीजर कर लिया। थर्ड में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। जो भी प्रॉब्लम हमने समझ ली है तो एनालिसिस करते हैं। ये स्टेजेस ध्यान रखना, पूछी जा सकती हैं कौन सी 6 स्टेजेस हैं फोका यूके की। तो पहले में डिफाइन किया, परिभाषित कर दिया, दूसरे में माप लिया, तीसरे में विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। थर्ड में हम क्या करते हैं कि जब आपने देखा कि प्रॉब्लम को पता भी चल गई किस तरह की है, सारा कुछ विश्लेषण भी कर लिया, तो थर्ड टाइम में आप क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। यानी कि जो भी आपका इंजन में प्रॉब्लम था तो उसको क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। तो जो ये इम्प्रूवमेंट करना है वो कब करना है, आपको प्रोडक्शन के टाइम पे ही करना है। तो जो ये इम्प्रूवमेंट आएगा उसके बाद आप क्या करोगे कि जो ये प्रॉब्लम आई थी, जो आपने ये मीजर किया था, तो लास्ट स्टेज में आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल करोगे। तो इससे क्या होगी कि जो प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, और इस तरह से जो आपका प्रोडक्शन होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो बिल्कुल सही होगा। अब इसकी फोका यूके, 3 तरह का फोका यूके होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी समझ लीजिए। हो सकता है कि उसी के लिए जो आपके ये 3 तरह के हैं उसकी वजह से इसको एजुकेशन के सिलेबस में रखा गया है। पहला जो फोका यूके है उसको विजुअल फोका यूके बोलते हैं। पहला है विजुअल, दूसरा है इसमें विजुअल, विजुअल कंट्रोल, और तीसरा है फेल सेफ। इसको ऐसे ही एज इट इज याद रख लीजिएगा इंग्लिश में ही, भले ही आप हिंदी मीडियम है, क्योंकि हिंदी में इनका कोई वर्ड नहीं है ना। पहला है विजुअल फोका योगी, दूसरा है विजुअल कंट्रोल फोका योगी, थर्ड हमारा फेल सेफ फोका योगी। अब ये क्या है, इसको एक तो याद कर लिया, ठीक है, अब इसको समझ भी लो, अपनी भाषा में समझ लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की भाषा में समझेंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। कि मान लीजिए कोई चीज कैसी दिख रही है ना, विजुअली वो कैसी चीज दिखती है, इससे रिलेटेड है कि आपको कोई चीज कंट्रोल करनी है ना, आपको मैनेजमेंट में कंट्रोल करनी है, तो सबसे पहले आप विजुअली उसको देखेंगे कि किस तरह का उसमें। सेकेंड में आप उसमें कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब कोई ड्राइवर जा रहा होता है तो जब रेड लाइट होती है ना, तो वो रुक जाता है, फिर ग्रीन लाइट होती है तो वो चला जाता है। तो इस तरह का हम विजुअल कंट्रोल करते हैं, है ना। पहले में तो सिर्फ दिखती हैं चीजें, लेकिन दूसरे में हम क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं चीजों को। फेल सेफ का मतलब है कि क्या करना है और क्या करना नहीं, व्हाट टू डू व्हाट डोंट। तो डू और डोंट की बात करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, डू और डोंट। जैसे मान लीजिए आप कार लेके जा रहे हैं, तो अगले लिखा होता है कि आगे थोड़ा ठीक से 2 किलोमीटर तो बहुत धीमे से जाइए, क्योंकि बहुत फॉग है, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। तो डू और ये आप पहले से ही बता देते हैं इसमें कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, इसमें एक जनरलाइज बात की जाती है। और यहाँ पे आपको जो जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसमें ये पहले ही बता दिया जाता है कि कैसे आपको काम करना है। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, इनके नाम जरूर याद रखना, है ना, और इसको किसने दिया है ये याद रखना, इसकी क्या स्टेजेस हैं याद रखना, और क्या होता है ये मैंने बता दिया है कि फोका का मतलब होता है कोई गलती से जब कोई चीज होती है तो उसको कैसे रोका जाए, यानी कि कोई एक्सीडेंटल चीज है तो उसको रोकने के लिए, फोका को रोकने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए योके का यूज किया जाता है। तो ये जापानी वर्ड है फोका योके, इसकी सारी चीजें समझ ली है हमने। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो सिलेबस की चीजें हैं वो बहुत आसान है, इसके अतिरिक्त आपको जो और चीजें समझ में आ रही है कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।